हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। कभी कभी हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं जिसका परसेंटेज निकालना या डुप्लीकेट वर्ड को फाइंड करना या ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसके लिए हम किसी ऑप्शन को नहीं जानते हैं, तो हम अपने काम को ब्रेक करके रखते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो हम अपने काम को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी कम टाइम में अपने डेटा को डिजाइन दे सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए आज सीखते हैं एमएस एक्सेल के होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस के बारे में। मैंने एक डेटा डिजाइन किया है, एक टेबल है मेरे पास है। इसी टेबल में आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन आता है, सबसे पहला हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन में दूसरा ऑप्शन आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब कि हमारे डेटा में से जो डेटा हमारा यूनिक वैल्यू है उसमें से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, उसको फाइंड करने के लिए मैं एक लाइन आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स और ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे इस टेबल में, इस कॉलम में 50% से ज़्यादा किस किस नंबर लाइन आइटम को परसेंटेज मिला हुआ है या 100 से ज़्यादा किस किस को मिला हुआ है। मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे इस डिजाइन किए हुए टेबल में कुछ लोग हैं जिनको 100 से ज़्यादा मार्क्स या 100 से ज़्यादा परसेंटेज आए हुए हैं, देख सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने लोगों को या कितने से ज़्यादा आपको चाहिए। ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, कितने से ज़्यादा आपको परसेंटेज में देखना है, 10, 20, 40, 80, 100, जितने में से आपको देखना हो आप यहाँ दे सकते हैं। ये हुआ ग्रेटर देन ऑप्शन का। इसके बाद दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं लेस देन, मतलब कि हमारे इस परसेंटेज के कॉलम में 80 से कम किसको मार्क्स मिला है या 80 से ज़्यादा किसके परसेंटेज कम आए हुए हैं, तो उसके लिए हम लेस देन ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। या डिफाइन करेंगे कि मेरे इस सीट में 33 से कम किनको मार्क्स मिला हुआ है, परसेंटेज किसका कम आया हुआ है, 33 से जिन लोगों का आया हुआ है उनका कॉलम कलर हो गया है। ये डिफाइन करा रहा है कि ये इतने लोग हैं जिनको आप यहाँ फिल्टर भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए, या इतने लोगों को 33 से कम मार्क्स मिला हुआ है। दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये डिफाइन कराना चाहते हैं कि हमारे इस टेबल में 10 से या 20 से या 80 और 90 के बीच में किसको कितना डेटा मिला हुआ है, कितना अंक आया हुआ है, तो उसके लिए बिटवीन ऑप्शन को चूज़ करते हैं। यहाँ डिफाइन करेंगे 80 और यहाँ डिफाइन कर देंगे 95 कि इतने के बीच में किनको मार्क्स मिला हुआ है, ये आपको बता देगा। ये हुआ बिटवीन का काम। दूसरा चूज़ करते हैं इक्वल टू, मतलब कि इनसे ज़्यादा या 80 से ज़्यादा या 80 के बराबर किसको मिला हुआ है। इक्वल टू पे मतलब अभी जैसे 50
किसको किसको मिला हुआ है, या 90 किसको किसको मिला हुआ है, या 85.4 इक्वल टू 90. यहाँ हम देख लेते हैं कि इक्वल किसको किसको मिला हुआ है. तो मैं LR को सिलेक्ट करता हूँ और इक्वल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ. यहाँ हमें डिफाइन कराना पड़ेगा कि किस किस लाइन आइटम को बराबर बराबर नंबर मिला हुआ है, या किस किस लड़के का बराबर नंबर आया हुआ है. तो सपोज़ 30 नंबर किसको किसको मिला हुआ है. 30 टाइप करते हैं तो यहाँ तुरंत ही दिखा देता है कि 30 नंबर 3 लोगों का आया हुआ है. दूसरा देख लेते हैं, 37 चूज़ कर लेते हैं, 37 किसको मिला. यहाँ ये तुरंत ही बता देता है कि 37 इतने लोगों को मिला हुआ है. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. हाईलाइट सेल्स में यहाँ दिया हुआ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मतलब कि सेम नाम सेम वर्ड कहाँ टाइप हुआ है, या सेम वर्ड या सेम अंक या सेम नंबर्स कहाँ टाइप हुए हैं चूज देख लेते हैं. वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अगर डुप्लीकेट दिया हुआ है, सेम नंबर या सेम वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम कैरेक्टर दिए हैं, तो ये तुरंत ही बता देगा कि आपका ये सेम नंबर है. यहाँ कस्टमर नेम पे भी एक बार देख लेते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स कस्टम नेम पे मान कर चलिए कि देखिए यहाँ कुछ वर्ड टाइप करते ही ये तुरंत ही दिखा देता है कि किसको डुप्लीकेट है या सेम नंबर सेम कैरेक्टर सेम वर्ड टाइप हुआ है. ये होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ऑप्शन का काम. दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, आर डेटा क्वेरिंग, मतलब कि अगर हम डेट वाइज फाइंड करना चाहते हैं अपने डेटा को, तो उसके लिए डेटा ऑप्शन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ मैंने एक डेट का कॉलम चूज़ किया हुआ है, इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ क्लिक करेंगे और डेटा अकोरिंग पे क्लिक कर लेंगे. मुझे ये फाइंड करना है कि कल कौन सा डेट है, या कल क्या था, कल क्या रहेगा. इसमें से कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं. टुमारो कौन सा डेट रहेगा आप देख सकते हैं. यहाँ हाईलाइट पे आई हाईलाइट हो गया. दूसरा देख लेते हैं, टुडे क्या है 21, टुमारो क्या रहेगा 22, नेक्स्ट वीक में क्या था लास्ट वीक अपना. ये मतलब ये एक डेट वाइज फाइंड करने के लिए, डेट वाइज डेटा को सेपरेट करने के लिए ऑप्शन यूज़ किया जाता है. दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट्स. कभी कभी डेटा हम डिजाइन करते हैं, डेटा टाइपिंग करते हैं, तो एक ही नेम से रिलेटेड कई नेम टाइप हो जाते हैं, एक ही डेटा से रिलेटेड दो डेटा डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो वो डेटा हमारा जो टोटल रहता है वो उसमें मिसमैच हो जाता है, हमारा टोटल काउंटिंग में एरर आता रहता है. तो हमें ये फाइंड करना है कि हमारा इस टेबल में डुप्लीकेट एंट्री कौन कौन सी है, उसको फाइंड कैसे करना है. तो उसके लिए यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है. आप यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि आपने इस डेटा में कौन कौन से हैं जिसको आपने गलत टाइप कर दिया, एक या एक से अधिक
बार टाइप आपने किया है, तो उसके लिए कोई भी आप इसमें से लाइन आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हर लाइन पे अप्लीकेबल रहेगा, अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ कस्टमर नेम का ऑप्शन चूज़ करता हूँ और हाईलाइट सेट डुप्लीकेट वैल्यूज़। अभी देखिए इसमें मेरा बहुत सारा ऐसा डेटा है जो मैंने एक ही डेटा को कई बार रिपीट कर दिया है, तो इससे ये पता चलता है कि मेरा इतना डेटा है जो डुप्लीकेट है। अगर ज़रूरत है तो रखिए, मैं रखूँगा, नहीं तो फिर यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं डेटा को, डुप्लीकेट डेटा को फाइंड करने के लिए। यह हमारा था हाईलाइट सेल्स रूल्स। अभी देख लेते हैं टॉप बॉटम्स रूल्स। इसमें आपका आएगा कि अगर टॉप 10 आइटम्स, मतलब जो हमारा डेटा है, इनमें से मैं कुछ डेटा जो आप हाई क्वालिटी के हैं या जो जिनका अंक या नंबर या क्वांटिटी जिनका सबसे ज़्यादा है, या ज़्यादा में से 2-4 का फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं क्वांटिटी ऑप्शन को चूज़ करता हूँ और यहाँ टॉप 10 आइटम्स, यहाँ अभी ये बताएगा कि इसमें ऐसे 10 लाइन आइटम हैं जिनका सबसे ज़्यादा अंक है या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि 5 में देखना है या फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा है या 12 में देखना है, मतलब यहाँ आप अपने काउंटिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने लोगों का है। 100 लोगों का अगर हमने डेटा डिजाइन किया हुआ है या 100 लोगों का हमने डाटा बनाया हुआ है, तो उसमें से 10 लोगों का सबसे ज़्यादा कितना, किनका किनका है जिनका सबसे ज़्यादा 10 है, या इस तरह से आप ले सकते हैं। और दूसरा है टॉप 10, ये परसेंटेज में से सबसे ज़्यादा किसका किसका है। तो मैं यहाँ परसेंटेज का भी ऑप्शन चूज़ करके रखा हूँ, या मैं लाइन आइटम सेलेक्ट करता हूँ, इसमें से फाइंड कर लेते हैं टॉप 10। अब इसमें मुझे ये बताएगा कि 10 ऐसे, मतलब आपने जो डेटा एंट्री करके रखा है इसमें 10 लोग ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आया हुआ है और उनका ये है। आप यहाँ से काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, 2 लोगों का, 4 लोगों का, जितने लोगों का आपको देखना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है बॉटम 10 आइटम्स। सबसे कम जो हैं उनमें से 10 क्या क्या हैं, जो सबसे कम हैं, कौन कौन हैं जिनका सबसे कम है, परसेंटेज कम है, या फिर क्वांटिटी सबसे कम किसका किसका है, ये डिफाइन करा सकते हैं 10, 5, 2, 6, जिस तरह से आपको चाहिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बॉटम परसेंटेज में सबसे कम, या मतलब 10 से कम, 20 से कम, किनका इतना सबसे कम आया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ से 10 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनका सबसे कम आया हुआ है, यहाँ से 50 का, मतलब आपके डेटा में, डेटा के हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हैं कि 10, 20, 50, 100 किस तरह से आपको डेटा चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं एवरेज, एबव एवरेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसका आया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी किसका है, एकदम मतलब 100, 50 सबसे ज़्यादा किसका, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कम, सबसे कम किसका है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कम से कम। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल्स, टॉप बॉटम्स। यहाँ डेटा बार्स में आता है, ऑप्शन बहुत सारा है, आप इस पे कलर के हिसाब से डिफाइन करा सकते हैं। आप यहाँ कलर देख सकते हैं कि किनका सबसे ज़्यादा है या किसका सबसे कम है। कलर जिस तरह हाईलाइट ज़्यादा कर रहा है उनका वो अंक सबसे ज़्यादा है, जिस पे कम, जिधर कम कर रहा है वो उस तरफ का कम अंक है। तो आप यहाँ से कलर भी डिफाइन करा सकते हैं इस तरह से, जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये डेटा समझने के ऊपर डिपेंड करता है और ये शेयर मार्केट में बहुत अच्छा यूज होता है। ये खास करके शेयर मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है ये सारे ऑप्शंस।
डेटा को समझने के लिए कि हमारा कौन सा लाइन आइटम, कौन सा कॉलम या किस फील्ड का डेटा कम है, ज़्यादा है, तो उसके लिए ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यू रूल ऑप्शन का यूज़ कैसे करें और मैनेज रूल्स ऑप्शन का यूज़ कैसे करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है या नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।